मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है, इसका एक उदाहरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है, बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तो मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा, मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। और उस वेदना में से, उस करुणा में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता था। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा, उनका चूल्हा कभी बुझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। और इसलिए भाइयों बहनों, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं, गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, मैं गरीबी को जी करके आया हूं, मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं। और इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है, दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा ये आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। और इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला हर
लाखों करोड़ों का हुआ करता था, अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है।